हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोग के लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। इस स्टॉक को मैंने पहले भी कवर किया है काफ़ी बार, लेकिन इस स्टॉक में एक रैली बहुत बड़ी आई नहीं। मैंने बहुत से ऐसे स्टॉक कवर किए जिसमें डबल हो गया पैसे बहुत, या फिर 70-80% का रिटर्न है, और वो स्टॉक्स मैंने एक महीने या दो महीने पहले कवर किए थे। आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो स्टॉक है इसमें एक रैली आई नहीं, मुझे लगता है इसकी एक रैली ड्यू है। तो मुझे लगता है आगे चल के, आगे कुछ महीनों में या साल भर में, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है, ठीक है। ऑन द सेफर साइड मैं साल भर कह रहा हूँ, बिकॉज ये एक पैनी स्टॉक है, ठीक है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्टॉक, कौन से स्टॉक है वो तो आप लोगों को पता है ही, पर देखते हैं कि क्या खास बात है जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स चलते हैं स्टॉक की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, तो ये है वो स्टॉक, देखिए 122 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, और 6.90 पे ट्रेड कर रहा है। तो करीब 17-18 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए इसको अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है अभी 6.90 में ट्रेड कर रहा है, लेकिन 8.48 का इसने हाई बनाया था। मैंने आप लोगों को 6 रुपये में ये स्टॉक बताया था, एक थोड़ी बहुत रैली आई है, लेकिन उसके बाद फिर एक डिप आया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या खास बात है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिजर्व देखिए डेट है, डेट रिजर्व से ज़्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स इस स्टॉक को मैंने जब पहले कवर किया था तो उसमें मैंने इसको कुछ स्टॉक्स से कंपेयर करके दिखाया था, जैसे DSSL से कंपेयर करके दिखाया था, और मैंने फिर बताया था कि किस तरीके से डेट वगैरह कम होने के बाद ये सब स्टॉक अच्छे रॉकेट बन सकते हैं। क्योंकि देखिए 7 रुपये का पैनी स्टॉक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रेट यहाँ पे बहुत मैटर करता है। ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितनी ज़बरदस्त है, 65.3% की प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या खास बात है फ्रेंड्स। ROC पैनी स्टॉक के लिए मैं बोलूँगा ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, लेकिन पैनी स्टॉक है और आईटी सेक्टर का है, तो ये जो है ये डेफिनेटली आगे चल के इम्प्रूव हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए किस तरीके से खाई बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो ये एक अच्छा मौका बन सकता है, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखाता हूँ इस स्टॉक के बारे में। देखिए अगर हम लोग 3 साल का पैटर्न देखें, तो देखिए डिप आने के बाद, यहाँ पे डिप आने के बाद देखिए किस तरीके से एक तेज़ी आती है, और उसके बाद फिर कंसोलिडेट होता है, फिर एक तेज़ी आती है, फिर कंसोलिडेट होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम देखें तो अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए करीब 80-90 रुपये के आसपास पहले कभी ट्रेड करता था, ठीक है। चलिए और देखते हैं, देखिए स्टॉक का नाम बता देता हूँ, ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और क्यों मुझे लगता है इसमें एक रैली बची ड्यू है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वार्टर रिजल्ट अगर आप लोग देंगे तो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आना बचा है, देखिए ठीक ठाक है बिजनेस, बहुत अच्छा नहीं पैनी स्टॉक के हिसाब से, पर अच्छा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप लोग ये देखेंगे तो देखिए करीब 400 करोड़ का बिजनेस है, लेकिन देखिए एक्सपेंसेस ज़्यादा है, ठीक है। पर देखिए कभी 15 करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़ तक का भी इनका रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये ठीक है पैनी स्टॉक के लिए। बाकी मुझे लगता है जब इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, जब इसका ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है ना, ये इंटरेस्ट पोर्शन जैसे कम होता है, तो वैसे ही डेट वगैरह कम होने के बाद फिर ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम ला सकता है, ठीक है। देखिए क्या है इसमें खास बात वो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए लगातार रिजर्व्स बढ़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि डेट भी बढ़ा है, ठीक है। ये देखिए जो खास बात है वो इधर है, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, 55% थी, लेकिन अभी मार्च का अगर आप लोग देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए 10% की प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है, ठीक है, आम जनता के पास सिर्फ 34% है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टॉक है इसमें 10% की अगर होल्डिंग बढ़ी है प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स को कुछ विश्वास है आगे बिजनेस को लेकर, फ्यूचरिस्टिक हैं कि उन्हें लगता है कुछ हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जो आम जनता के पास करीब 26% है, कुछ बड़े लोगों के पास 8.49% है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है, ठीक है, कि स्टॉक में लेकिन तेज़ी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स पैनी स्टॉक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जब पैनी स्टॉक में, क्योंकि कभी भी किसी भी रेट पर एक अच्छा बड़ा प्लेयर उसको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो टाइम दीजिएगा, लॉन्ग टर्म के मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि जब प्रमोटर भी होल्डिंग बढ़ाते हैं या बनाते हैं, या अभी फिलहाल DIIs की एंट्री नहीं हुई है या FIIs की एंट्री नहीं हुई है, तो जब प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो कुछ आगे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस देख के बनाते हैं, ठीक है, कि आगे कुछ उनको बिजनेस में पोटेंशियल दिखता है, तब वो इस तरीके से अपनी पोजिशन बनाते हैं, ठीक है। तो
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल मुझे लगता है 4 साल का टारगेट रखिएगा, शॉर्ट टर्म का मत रखिएगा, अदरवाइज उसमें थोड़ा सा फंसने के चांसेस होते हैं। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कहता हूँ मुझे लगता है ये एक अच्छे रेट पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और नॉर्मली मैंने आप लोगों को रिसेंट में हाल फिलहाल में जो स्टॉक्स बताए जैसे सिंभावली शुगर देखिए 6 रुपये में बताया था 15 रुपये पहुँच गया, 1 महीने पहले ही बताया था आप लोग को। इंटेंटेक मैंने आप लोग को इंटेंस टेक लेने के लिए मैंने आप लोग को बताया था 30 रुपये में बताया था, आज देखिए करीब 60 के आसपास है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक एक महीने में आप लोग को ऐसे ऐसे स्टॉक को इतने अच्छे अच्छे रेट में मैंने आप लोग को बताया है, उसके बाद स्टॉक कैसी भी कैसी तेज़ी आई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे को लगता है जो स्टॉक के बारे में कुछ पॉइंट्स लगते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।